हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एट सिरिल साइकोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज से निकली हुई एक वैकेंसी के बारे में। ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था 23 नवंबर 2022 को, एंड आप यहाँ पर देख रहे हैं जो है एडवर्टीजमेंट नंबर। जो एप्लीकेशन इन्वाइट की गई हैं वो एक प्रोजेक्ट के अंडर में है, विच इज़ सेंटर फॉर एडिक्शन मेडिसिन। एंड यहाँ पर वेरियस वैकेंसीज़ हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, अकाउंटेंट असिस्टेंट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, कोहॉर्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, रिसर्च ऑफिसर एंड फॉलो अप काउंसलर। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैकेंसीज़, जिसमें वन वन पोस्ट पे ही वैकेंसीज़ हैं, बट काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। सो बात करेंगे यहाँ पर वैकेंसीज़ में जो एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे, सो वैकेंसीज़ में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिस्ट वाली पोस्ट के लिए। सो वन यहाँ पर पोस्ट है फॉर जनरल कैटेगरी। सो अगर आप अप्लाई करेंगे, अगर आप SC ST से हैं तो भी, आप अगर आप जनरल से अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सो आप जनरल कैटेगरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए MSc इन साइकोलॉजी। आपका अपर एज लिमिट होना चाहिए 30 साल। सो 30 साल के से कम अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड पे आपको मिलेगा 25,300 पर मंथ मिलेगा, और आपका जो ये पीरियड है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है, ठीक है, 1 ईयर का। और जो सेकेंड और थर्ड जो ईयर होंगे वो आप पे डिपेंड करेंगे कि आप कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने जॉब को, तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो आपको दूसरे और तीसरे साल में जो है रिन्यू आपका करना चाहते हैं जॉब या नहीं, ठीक है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन दी अथॉरिटी। नेक्स्ट यहाँ पर सोशल वर्कर का पोस्ट है, 1 पोस्ट है फॉर जनरल कैटेगरी। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर MA इन सोशल वर्क या MSW, ठीक है, इनमें से कोई भी आपके पास होना चाहिए। दूसरी थिंग कि आप अगर 35 ईयर्स की एज के हैं, इतनी एज के हैं या इससे कम की एज के हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड पे आपको 25,300 पर मंथ मिलेगा, एंड पीरियड आपका सेम रहेगा फॉर 1 ईयर, और अगर आप दूसरे और तीसरे साल में डिपेंड करेगा कि आप कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, अथॉरिटी को अपने जॉब से। दूसरा है कोहॉर्ट मैनेजर का पोस्ट, यहाँ पर 1 पोस्ट है फॉर जनरल कैटेगरी, और बाकी SC ST OBC भी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर आपको मांगा गया है MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए या फिर MPhil इन सोशल वर्क आपके पास होना चाहिए। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, अगर आप 30 ईयर्स से कम की एज के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड पे आपको 29,700 पर मंथ मिलेगा, एंड पीरियड आपका है यहाँ पर जो है 1 ईयर का। नाउ कमिंग टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर फॉलो अप काउंसलर के बारे में। सो फॉलो अप काउंसलर के लिए आपको डिग्री इन सोशल साइंस चाहिए। 3 पोस्ट है यहाँ पर, 1 फॉर जनरल, 1 फॉर SC एंड 1 फॉर ST। पीरियड 1 ईयर का ही रहेगा। कंसोलिडेटेड पे 23,100 रुपये पर मंथ, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है, एंड डिग्री आपको चाहिए सोशल साइंस में। नाउ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन जो फ़ी है, प्रोसेसिंग फ़ी वो कितनी है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी है 590 फॉर जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट, एंड 295 है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। लिंक आपको ये पर्टिकुलर दिख रहा है, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, और ये जो पेमेंट है एप्लीकेशन फ़ीस की इंक्लूडिंग ऑल GSTs है। सो ये चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि OBC सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका OBC जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होना चाहिए, और EWS कैटेगरी से अगर आप हैं तो भी आपको अपना सर्टिफिकेट जो है वो शो करना होगा। यहाँ पर जो आपकी जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ठीक है, वो है आपकी 22 अक्टूबर 2022। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे उस पर आपको ऊपर ईमेल आईडी लिखनी है। सो आपको अपने मेल्स चेक करते रहने फॉर द कॉल ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर इस PDF में एनेक्चर दिया हुआ है आपको, ठीक है। PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, साइट का लिंक प्रोवाइड करा दूँगी आपको, बता दूँगी कि कौन सा PDF डाउनलोड करना है, या फिर PDF का ही लिंक आपको जो है प्रोवाइड करा दूँगी इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यहाँ पर NIMHANS की वेबसाइट पे आपको जाना है, www.nimhans.ac.in पर पेमेंट वाला ऑप्शंस पे, ये जो आपको PDF में दिख रहा है आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट के ऑप्शंस पे चला जाएगा, वहाँ से आपको फिल कर लेना है, ठीक है। और वहाँ से पेमेंट करके जो पेमेंट का स्लिप होता है आपको वो
और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पर्टिकुलर आपको भेजना है, ठीक है? वो मैं बता देती हूँ आपको कहाँ भेजना है। सो आपको एप्लीकेशन फॉर्म और आपका जो फीस का पेमेंट का जो है स्लिप आपको वो भेजनी है। यहाँ पर दी रजिस्ट्रार निमहांस PB नंबर 2900 होसूर रोड बेंगलुरु 56009। आपको प्रॉपर एड्रेस लिखना है इंडिया, ठीक है? सो आपको ये पर्टिकुलर भेजना है एनक्लोज करके 22 अक्टूबर 2022 से पहले पहले, ठीक है? सो आपको एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फ़ी का जो आप पेमेंट करेंगे उसका रिसिप्ट और आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना है, ठीक है, बाय स्पीड पोस्ट, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर आपका इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? इस पर्टिकुलर साइट से मिलेगा, ठीक है? अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे इसको डाउनलोड करेंगे, कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है? सो आपको इस पर्टिकुलर साइट पे आना है। साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। OBC जो का जो सर्टिफिकेट आप देंगे वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए उसका यहाँ पे दिया हुआ है 3 में, ठीक है? थर्ड ऑप्शन में एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट को जो PDF है जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो आप यहाँ से एडवर्टीजमेंट वेरियस पोस्ट के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? सो ये पर्टिकुलर साइट का लिंक है एंड ज़रूर से ज़रूर इसमें अप्लाई करिए। एंड थैंक यू सो मच। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू।